Asalaamu As everyone, how are you all? I hope you are enjoying your days with mirth and joy. You are most welcome to this channel. You are watching English Language and Learning by Professor Humaira. And uh, if you are new to this channel, you should subscribe, like, and share. Press the bell icon so that you may get the new videos whenever I upload. And this video is basically made for the students of BA English Literature. But with this, I'll be making English language and grammar videos so that all of you can get benefit from this channel. So this is 30th April and we are at 11th Modern Essay host and guests by Max Bierbaum. I hope in 15 to 20 days our all the syllabus or course will be covered up. So, stay connected and keep watching this channel. If you find anything difficult or if you have any question regarding your modern essays, paper B, or anything, you can ask freely. Your questions will be answered. Okay. And uh, then, this essay is uh, very much important, special, and very interesting. This is uh, presented in a comic and humorous style.

पेपर्स में आते रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे और देन देख लेंगे। ओके, okay, बेसिकली ये जो ऐसे है ये लाइट और ह्यूमरस स्टोन में बयान किया गया है राइटर ने बहुत ही कॉमिक मिजाया अंदाज चुना है कि माशरे में किस तरह मेहमान नवाजी की रस्म को लिया जाता है और उसके ऊपर किस तरह वो तबसरा करता है और वो ये भी बताता है कि वाई पीपल इन्वाइट अदर्स लोग दूसरों को इन्वाइट क्यों करते हैं लोगों के यहाँ खाने खाने क्यों जाते हैं और इसके पीछे मकसद क्या होते हैं फिर वो हिस्ट्री से और लिटरेचर से मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स भी देता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइटर ने किया है वो उसने तमाम इंसानियत को दो कैटेगरीज में तकसीम कर दिया है कि इंसान जो है या तो एक वक्त में होस्ट होता है या फिर गेस्ट होता है लैंग्वेज की एग्जांपल्स देते हुए वो कहता है कि ये दो बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं होस्ट होना और गेस्ट होना अगर इंसान एक टाइम पे होस्ट है तो वो होस्ट ही रहता है यानी जो बिल पे करता है खाने के लिए इनवाइट करता है खाना बनाता है दूसरों को घर पे बुलाता है ये होस्ट कहलाता है एंड द वन हु एक्सेप्ट द इनविटेशन दूसरा इंसान जो इस दावत को कबूल करता है खाना खाने जाता है और खाना खा लेता है वो गेस्ट कहलाता है ये उसने डिफ़ाइन किया है इन दोनों कैटेगरीज़ को कि होस्ट कौन होता है और गेस्ट कौन होता है देन वो कहता है कि होस्टशिप जो है ये एक नेगेटिव पॉजिटिव क्वालिटी है लोगों को इनवाइट करना खाने खिलाना मुस्बत रवैया है जबकि हमेशा से ही गेस्ट बन जाना और इनविटेशन को एक्सेप्ट करना और खाने खाते रहना गेस्ट ही बने रहना ये नेगेटिव क्वालिटी है देन वो कहता है इंसान के अंदर यह जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है फितरी तौर पर इंसान के अंदर बात थी लेकिन शुरू में जब इंसान आया स्टोन एज में रहता था गारों में रहता था उसके अंदर ये खूबी पाई नहीं जाती थी उसके वक्त उसने वक्त के साथ साथ दूसरे जानवरों को देखा उनके साथ इंटरैक्शन हुआ फिर उसने दूसरे लोगों को देखा तो उसने अपनी खुदगर्जी को सेल्फिशनेस को काबू पाया और जो है ये अपना ली खूबी अपना ली कि लोगों को इनवाइट करना है शेयर करना है अपना खाना जब उसने जानवरों को देखा जो खाना शेयर नहीं करते थे बेसिकली लाइंस एनिमल्स कैट्स डॉग्स तो फिर उसने सीखा कि इंसान जो है दे आर सुपीरियर करीचर्स तो इन्होंने अपना खाना जो है हर चीज़ बिलोंगिंग्स जो है शेयर करनी है क्योंकि सेंस ऑफ पोजेशन जो है वो इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा था फिर राइटर अपनी बात करता है क्योंकि ये पहले कह चुका है कि गेस्टशिप जो है गेस्ट बन जाना वो नेगेटिव क्वालिटी है तो बड़े मजाही अंदाज में कहता है कि अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ इस पे सबको हंसी आएगी या हो सकता है ऐसे पढ़ना छोड़ दें क्योंकि मैं कहने जा रहा हूं कि मैं एक अच्छा गेस्ट हूं मुझे हमेशा से गेस्ट बनना पसंद है क्योंकि बचपन से यही उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट थी उसका झुकाव जो जु था टेंडेंसी जो थी वो गेस्ट बनने की तरफ थी क्योंकि इसने कभी भी खाना ऑफर नहीं किया और जब स्कूल में होता था तो अपने फ्रेंड से कीमा रोल लेके जाता था और छुप छुप के साइड पे बैठ के खा जाया करता था जो अक्सर बच्चों के अंदर अक्सर नहीं कुछ बच्चों के अंदर ये क्वालिटी हो सकती है तो आई तो कैन डिस्कवर कि वो बहुत अच्छे गेस्ट हैं तो कहता है शुरू शुरू में तो वैसे इंसान नहीं होता गेस्ट उसे होस्ट पन नहीं अच्छा लगता है वो अपने खाने वगैरह शेयर नहीं करता है लेकिन वो कहता है कि क्वाइट सरप्राइजिंगली मैं बड़ा हो भी गेस्ट ही अच्छा रहा हूँ मुझे कभी भी बिल पे करना अच्छा नहीं लगा और अगर कभी करना पड़ जाए तो वो कैश की सूरत में जो है पे करता है फिर वो कुछ एग्जाम्पल्स देता है कि किस तरह हिस्ट्री से इंसान जो है पहले बहुत खतरनाक हुआ करता था और होस्टशिप और गेस्टशिप की क्वालिटी जो है वो लोगों में कॉमन नहीं होती थी लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे कि गेस्ट बनना लोगों के घर जा खाना खाना ये एक रिवाज नहीं था ट्रेडिशन नहीं था तो लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट भी नहीं करते थे वो लिटरेचर से एग्जाम्पल्स मेकपत और लेडी मेकपत की देता है जैसे उन्होंने जर्नल को घर बुला के मार दिया फिर रोमन्स की एग्जाम्पल्स देता है ग्रीक्स की एग्जाम्पल्स देता है कि किस तरह सीसरू ने उसकी आंखें चुंदहा दी थी और नेज़ा उसकी आँखों में मारा था और इस तरह अपने गेस्ट को बुला के लोग कत्ल कर दिया करते थे प्रॉपर्टी के लिए लैंड ऑनरशिप के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए कैपिटल के लिए तो वो कहता है कि इतनी डार्क एग्जांपल्स इतने डार्क शेड मौजूद हैं इस हिस्ट्री के अंदर होस्ट और गेस्टशिप के अंदर लेकिन अब जो है वो डेवलपमेंट हो चुकी हैं और जो चीजें जो हैं जो इंटरेस्ट हैं जो मफादात हैं वो कुछ और हो गए हैं बदल गए हैं लोगों के नजरियात बदल गए हैं फिर वो कहता है कि होस्ट और गेस्ट की फर्दर वो डिवीजन करता है तीन तीन उनकी क्वालिटीज बयान करता है कि गेस्ट भी और होस्ट भी तीन तरह के होते हैं कुछ जो होते हैं वो बहुत शो ऑफ करते हैं होस्ट कुछ अनसिविलाइज होते हैं और कुछ अच्छे होते हैं फिर वो कहता है गेस्ट जो हैं कुछ उनका सिर्फ डिशेस पे फोकस होता है वो सिर्फ गिनते हैं कि इसने कितनी डिशेस बनाई हैं कुछ बहुत अनसिविलाइज किस्म के होते हैं और कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं कि अगर अच्छे होस्ट हैं तो अच्छे गेस्ट भी कुछ होते हैं और कुछ बुरे होस्ट हैं तो बुरे गेस्ट भी हैं फिर वो कहता है कि ये जो डिस्कशन है इसको फर्दर हम इन टेक्स्ट एनालिसिस वाली जो सेकेंड वीडियो होगी उसमें इन तमाम पॉइंट्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे एंड इफ यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड वाचिंग दिस नोट्स तो आप इनको नोट्स बना सकते हैं और सेकेंड वीडियो जरूर देखें ताकि उसमें आप ये जान सकें कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टेक्स्ट एनालिसिस या थीमेटिक कंसर्नस जो हैं वो क्या हैं फिर राइटर जो है मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देते हुए कहता है कि जो कम रिच लोग होते हैं पुअर लोग होते हैं गरीब होते हैं वो अच्छे होस्ट होते हैं उन्हें हमेशा लोगों को खाना खिला के खुशी महसूस होती है क्योंकि उनके जर्फ और दिल जो हैं वो बड़े होते हैं जबकि जो रिच पीपल हैं उनको पे ऑफ करना अच्छा नहीं लगता है उनको खाने खिलाना लोगों को बुलाना ज़ियाफ़तें करना अच्छा नहीं लगता है ऐसे गरीबों को खाना खिलाना तो वो कहता है ये इंसान की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर पर भी मैटर करता है कि किस तरह वो है किस तरह वो करता है और इसको किस तरह आगे लेके जाता है और इसको किस तरह क्वालिटी को अडोप्ट करता है ये डिस्कशन बहुत प्रोलॉन्ग करता है इंसान बहुत बोरिंग फील करना शुरू हो जाता है कि किस तरह की एग्जांपल्स हैं लेकिन वो बीच बीच में कॉमिक स्टाइल में बहुत मजा कोटेशंस भी बीच में डालता है और एंड पे ये इस बात पे इसकी क्लोजिंग मतलब पैराग्राफ्स में वो कहता है कि वी हैव येट टू ग्लास एड दोज एक्सट्रीम्स बिटवीन हु विच मीन इज गुड गेस्ट शिप कि हमें इन दोनों के दरमियान मीन को